हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 5 गोल्डन टिप्स फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप एक वेटर हो, अभी अपने करियर की शुरुआत आप एक वेटर से कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी हम शुरू करते हैं आज का गोल्डन 5 टिप्स फॉर यू। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट में हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जब कस्टमर से बात करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको अच्छी लैंग्वेज में बात करनी आनी चाहिए, राइट? तो अच्छी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, आपको उनके साथ जो भी चीज़ें वो चाहते हैं, जो उन महसूस करते हैं, उनके एक अच्छा महसूस आपको कराना है आपकी बातों के द्वारा। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे, और इसमें माहिर बन सकते हैं। टिप नंबर 2, वेल नाउन अबाउट मेनू। फूड मेनू हो या ड्रिंकिंग मेनू हो, आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कस्टमर के पास जाते हो, खाना ऑफर करते हो या ड्रिंक ऑफर करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खाना में क्या क्या चीज़ें आती है, उसका टेस्ट कैसा रहता है। इसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बार बार मेनू को पढ़ सकते हैं, किचन में जाके शेफ से दोस्त करके उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा खाना में क्या जाता है बोल के, ऐसा करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड कस्टमर्स डिमांड। कस्टमर्स का डिमांड को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या खाना खाना चाहता है, कैसा खाना खाना चाहता है, कैसा ड्रिंक पीना चाहता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले समझना है, राइट? उनको स्पाइसीज चाहिए, मीडियम स्पाइसीज चाहिए, या स्वीट्स खाना चाहते हैं, राइट? तो कैसा खाना खाना चाहते हैं, ऐसा ऑफर कर सकते हो। अगर वो स्वीट्स खाना चाहते हैं या इंडियन खाना खाना चाहते हैं, तो आप दाल मखनी या बटर चिकन उनको ऑफर कर सकते हो। मीडियम स्पाइस के लिए आप और चीज़ें जो मेनू में आपको वहाँ पे है, आपका होटल में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं, जो आप ब्रीफिंग होती है उस टाइम में पूछ के आप ऑफर कर सकते हो। स्पाइसेज में भी आप क्या क्या ऐसा रहता है आप पूछ सकते हो। आपका जब भी होटल में ब्रीफिंग होता है, वहाँ पे जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो आपको पूछना है, और जब भी ऑफर करना रहता है कस्टमर को, तो उनके डिमांड के अनुसार आपको खाना को प्रेजेंट करना है। टिप नंबर 4, लर्न फ्रॉम योर सीनियर। हमेशा सीनियर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सीनियर्स के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होते हैं, राइट? और वो बहुत सारे होटल्स भी घूम के आ सकते हैं, तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है। तो उनसे आप हमेशा सीखें, हमेशा उनके साथ दोस्ती बनाए रखें, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो। इसके लिए उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार आपको बनाना है, और जो भी चीज़ वो बोलते हैं आपको कभी भी ना नहीं बोलना है, क्योंकि आपको सीखना है। इसके लिए आप हमेशा उनसे सीखें, और इसको अपने आप अप्लाई करते रहें, तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आज का टिप नंबर 5 और लास्ट टिप है, लर्न कंप्यूटर एंड इंग्लिश। आपको कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई फॉरनर गेस्ट आता है तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में बात करना रहता है, राइट? अगर उनको हिंदी नहीं आता है तो आप कौन सा लैंग्वेज में बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे। इसके लिए आपको वो उसको सीखना है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर दूसरा कलीग को आता है तो वो वहाँ पे बात करेगा, वो उनको हैंडल करेगा, राइट? तो आपको थोड़ा गिल्टी फील होएगा। इसके लिए आपके पास जो भी कमियाँ हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। आज का 5 गोल्डन टिप्स आपको इस्तेमाल करना है अपना फ़ायदा के लिए। क्या क्या था मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 2, वेल नाउन अबाउट मेनू। नंबर 3, अंडरस्टैंड कस्टमर्स डिमांड। नंबर 4, लर्न फ्रॉम योर सीनियर। नंबर 5, लर्न कंप्यूटर इन इंग्लिश। आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, जो भी कमियां हैं वो सीखें, और अपने करियर में आगे बढ़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। व्हाट्सअप सेफ GKV फॉर बुक्स।